व्हाट्सअप गाइस, थंबनेल में लिखा है पनौती कौन क्वेश्चन मार्क। रिजवान अहमद सर की वीडियो, इनकी वीडियो वैसी बहुत अमेजिंग होती है, तो वीडियो पूरी देखेंगे और फिर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। और आपने देखा है कि बीजेपी ने क्या परफॉर्मेंस करी अभी इलेक्शन में, और ये कहीं ना कहीं 2024 के लिए सेंटर के लिए संकेत है। भैया आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करिएगा। 1 2 3 गो। जश्न जश्न सेलिब्रेट जयपुर, ये तो भैया तेजस। अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। बहुत अच्छा किया है इस बार। लेकिन फिर बता रहा हूं, शाम 6 बजे तक अगर चारों चुनाव भाजपा हार जाए तब भी 2024 में आएगा तो मोदी ही आएगा। तो साथियों, कल आपके भाई ने झेली असहनीय पीड़ा और दर्द, लेकिन जब आप जीवन में बिल्कुल डाउन हो और आउट हो तो आपको बिल्कुल फ्रेश नजर आना चाहिए। तो इसीलिए सुबह गया, हेयरकट वेयरकट लिया और मैंने कहा आई हैव टू बाउंस बैक, और नतीजे भी कुछ ऐसे सामने आ रहे हैं कि चेहरे पर चमक आ गई है। तो इसी पर होगा आज का विश्लेषण, फेस टू फेस। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो भाई, तुमको जो जोकरों का सरदार बोला गया उसके पीछे एक कंटेक्स्ट था। कंटेक्स्ट ये था कि तुम कह रहे थे कि जो भी जिसको भी देखो, जिसके हाथ में देखो, मेड इन चाइना मोबाइल है। हकीकत यह है कि लगभग जिसके हाथ में भी देखो, मेड इन इंडिया मोबाइल है। तो ये कंटेक्स्ट था। तुमने जो पनौती बोला तो कम से कम 3 महत्वपूर्ण राज्य की जनता ने तुमको बता दिया है कि पनौती कौन है। और उसके बाद जो तुम्हारा कैंपेन का तरीका था कि प्रधानमंत्री तेजस में, तुम लोगों को 10 बार बताया है प्रधानमंत्री को टारगेट मत किया करो ना यार, अबे तुम्हें मुझसे अच्छा एडवाइजर नहीं मिलेगा। भूल जाओ कि नरेंद्र मोदी देश की राजनीति में है, भूल जाओ चुनाव के टाइम पर, भूल जाओ वो देश के प्रधानमंत्री है। नाम ही ना लो यार नरेंद्र मोदी का, राज के चुनाव लड़ रहे हो ना, राज के मुद्दे उठा के लाओ। सीधी बात, शिवराज सिंह चौहान का नाम लो, उसका नाम लो, उसका नाम लो, नरेंद्र मोदी का नाम ना लिया करो। तुम लोगों को यार कैसे समझाऊं कि नरेंद्र मोदी तेजस में घूम रहे हैं, ये स्टंटबाजी कर रहे हैं, उत्तराखंड में मजदूर फंसे हुए हैं उनकी किसी को फिक्र नहीं है। भारत ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, सरकार ने उनको निकालना, बिल्कुल एड़ी चोटी का जोर। आई बात समझ में? और एक बात बताऊं यार, अफसोस बस इस बात पर होता है क्योंकि कोविड में ये चीज अपनी आंखों से देख चुका हूं, जहां पर बालू से निकलती हुई लाशें और ऑक्सीजन की कमी को लोगों ने सेलिब्रेट किया था, जबकि उनको ये डर था कि ये मौत उनके घर का भी, उनको घर, उनके घर पर भी दस्तक दे सकती है। तो वो मैंने एक नफरत की प्रकाष्ठा देखी थी, बहुत सौ में देखी थी, आप भी जानते हैं किसमें देखी थी, दे वॉज सेलिब्रेटिंग की ऑक्सीजन की कमी हो गई है। जाहिर बात है वो अंदर अंदर सेलिब्रेट कर रहे थे, बातें मैं तो पकड़ता हूं, बातों से पता चल रहा था। इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं और जो वो कुछ ऐसे नहीं है, वो कुछ जो है वो बहुत ज्यादा है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं और कुछ उनके समर्थक हैं। यार सही बताऊं, दुआ कर रहे होंगे कि उत्तरकाशी में सब मर जाए, सब मर जाए ताकि उनको मोदी को टारगेट करने को मिल जाए। अरे यार, इस देश में ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उनके सपोर्टर हैं और बहुत हैं। अरे जो दुआ कर रहे होंगे कि कतर में जो 8 हमारे पूर्व नौसैनिक फंसे हुए हैं उन्हें फांसी हो जाए यार, जिसके चलते वो मोदी की फॉरेन पॉलिसी का मजाक उड़ा सके। और ये विचारधारा बहुत हाई परसेंटेज में लोग समझ रहे हैं, और जो नहीं समझ रहे हैं उनके पढ़ने चाहिए जूते 4 और गिनना चाहिए 1, जो अभी भी ये चीज नहीं समझ रहे हैं। तो पूरे चुनाव के नतीजे सामने आ गए और बड़ी जिम्मेदारी से एक बात बोलता हूं, कर्नाटक में भाजपा अगर हिमाचल में, कर्नाटक में चुनाव हारे तो इसका जिम्मेदार होंगे नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का वो कद है, भले फेडरल स्ट्रक्चर है, भले राज्य के चुनाव अलग है लेकिन और राष्ट्र के चुनाव अलग है, नरेंद्र मोदी जी ये नहीं कह सकते कि मेरा इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं था। सिक्का नरेंद्र मोदी का चलता है, वो नरेंद्र मोदी को पड़ता है। और अगर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा अपसेट कर दे तब भी सिक्का नरेंद्र मोदी का चलता है और सेहरा भी नरेंद्र मोदी के लिए के सर पर बंधना चाहिए।
और दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, तुम कर्नाटक हारो मैं बोलूंगा 2024 में मोदी आएगा, तुम हिमाचल हारो मैं बोलूंगा 2024 में मोदी आएगा, भाजपा राजस्थान जीते तब भी मैं बोलूंगा 2024 में मोदी आएगा, मध्य प्रदेश जीते तब भी मैं बोलूंगा 2024 में मोदी आएगा, छत्तीसगढ़ जीते तो मैं बोलूंगा नरेंद्र मोदी आएगा। एक घंटे में जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, शाम 6 बजे तक पूरा चुनाव पलट जाए और हर जगह भाजपा हार जाए तब भी मैं बोलूंगा 2024 में मोदी ही आएगा। जब राज्य के चुनाव में अगले का इतना जलवा है तो राष्ट्र के चुनाव में क्या होगा, ये तो देखने वाला मंजर होगा। 300 या 310 सीट पार होने जा रही है और दुनिया देख रही है आपका एजेंडा, रोजगार का, इसका, उसका, सब धरातल पर फेल पड़ा है। आपका तुष्टिकरण भी दुनिया देख रही है। क्या चुनाव में उदयपुर की हुई घटना का कन्हैया का असर नहीं होगा? क्या आप लोग ये मानते हैं चुनाव में उसका असर नहीं होगा? क्या आप लोग ये मानते हैं कि शोभा यात्रा में पत्थर चलना है, इसका इस चुनाव पर असर नहीं होगा? क्या आप ये मानते हैं कि जो नज्जर के साथ हुआ है और जो अमेरिका आरोप लगा रहा है पन्नू को लेकर, क्या इसका असर नरेंद्र मोदी पर नहीं होगा? नरेंद्र मोदी भारत की आन बान शान की तस्वीर बन चुका है यार। चुनाव में उसको टारगेट ना किया करो, भूल जाओ अपने जीवन से, अपनी राजनीति से कि नरेंद्र मोदी जैसी कोई चीज है। उसके अलावा जो भी तुम्हें लड़ाई लड़नी है लड़ो। ईडी का फॉर्मूला तुम्हारा फेल हुआ। ईडी महादेव का क्या, इस महादेव ऐप का, मुंह से महादेव निकल जाता है, महादेव ऐप का क्या इस पर असर नहीं होगा? क्या तुम सोचते हो जनता पूरा तुम्हारा सत्य मान लेगी कि सारा जो ईडी कर रही है सारा एक ड्रामा है और तुमको फंसाया जा रहा है? ईडी कर रहे थे जनता नहीं को ये इस चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि जनता खुश है इस चीज से कि करप्शन के अगेंस्ट ये कदम उठाए जा रहे हैं और कड़े डिसीजन लिए जा रहे हैं और लोगों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। चलते हैं भाई, मोदी जी इलेक्शन जीते हैं ना, वो इसलिए जीते हैं और बीजेपी इलेक्शन जीते हैं, मैं सही वर्ड ही कहूंगा, वो इसलिए क्योंकि आप उनका जो फेस है ना वो बहुत स्ट्रांग है। और मुझे लगता है कि जैसे अगर आप किसी को वोट देते हो, किसी पार्टी को, आप सबसे पहले रिलेट करते हो उस पार्टी का फेस कौन है, कि क्या हम विश्वास दिखा पा रहे हैं। टू बी फ्रैंक, मुझे लगता है कि अभी तो राज्य चुनाव थे, राष्ट्रीय चुनाव की बात करते हैं जब सेंटर की, तो आप ये देखो कि मोदी को हटाने के लिए बनाई गई है इंडिया अलायंस, ये लगता है देखने में साफ। मकसद वो कुछ भी कह लें कि देश में ये करना होगा, लेकिन लगता है कि आपको पहले जो उनकी नहीं, वो ये है। एक टाइम पर कांग्रेस की सरकार होती थी सेंटर में और आज ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को पहले से ही भरोसा हो चुका है कि उनकी सरकार बहुमत में आ ही नहीं सकती, उनको मिली जुली सरकार बनानी पड़ेगी मिली भगत करके, तो इसलिए पहले से उन्होंने अपनी तरफ लोग ले लिए, पार्टीज ले ली कि अरे हम मिल वाल के ऐसे कर करके सरकार बना ही लेंगे, बस इसको हटाना, देखने में वही चीज लग रही है। और ऐसे में फिर देश नहीं चल पाता जिस तरीके से उसको स्मूथ फंक्शनिंग करनी होती है। और मिली जुली भगत में ना मुझे नहीं लगता, यहाँ तो बिजनेस में लोग पार्टनरशिप जल्दी टूट जाती है, यहाँ तो कितने अलायंस कर रहे हैं, कितनी पार्टियों से कर ली भैया, मुझे तो लगता है ना पार्टीज ऑपोजिशन के लिए होती हैं, यहाँ तो पार्टी मिल रही है, तो बहुत स्ट्रेंज लगा। और मोदी जी जीते इलेक्शन, ये साफ कहने में कोई हर्ज नहीं है, बीजेपी जीती, लेकिन फेस जो मैटर करता है वो मोदी जी का है और ये कहीं ना कहीं संकेत है। संकेत क्या, मैं तो मुंह पे बोलता हूँ भैया 2024 में आएगी बीजेपी, आपको लगता हो कि नहीं ये होगा वो होगा तख्ता पलट होगा, तुम करते रहो तख्ता पलट, ठीक है, ये एक दिन वाली बात नहीं है कि जैसे इंडिया, चलो इंडिया वर्ल्ड कप हार गई, वो एक दिन खराब था हमारा, तो उस दिन डिसाइडिंग फैक्टर था, चुनाव में डिसाइडिंग फैक्टर एक दिन नहीं होता, उस दिन तो जाके बस वो वोट डाल के आनी है आपको, ठीक है, अटेंडेंस लगानी है आपको, वो वाली दिन है, क्योंकि पूरे साल आपने देखा है वर्क। तो मैं तो यही कहूंगा भैया, बाकी किसी को बुरी लगती हो बात तो उनके ऊपर है। और दूसरा जो मुझे वो समझ आया, जो बोल रहे थे ना कि टनल में वो फंसे उनके लिए, अरे यार वो खुद जाके थोड़ी एक एक बंदे को निकालेंगे, उन्होंने टीम दी, उन्होंने अरेंजमेंट सब कुछ कर दिया। राजनीति टुच्ची राजनीति जब होने लग जाए ना तो फिर आप समझ जाओ, मतलब मेरे को लगता है अगर ये टनल वाला नहीं होता तो टॉपिक ही खत्म हो जाता इनके पास। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा, मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ, बाय बाय।